हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशिका। आज मैं ब्लॉग शूट करने वाली हूँ। एक्चुअली आज हमारे छत्तीसगढ़ी समाज में सावन महोत्सव होने वाला है और ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ। तो ये इस बार इस कंपटीशन ऑनलाइन होने वाला है बिकॉज ऑफ कोरोना, सो सारी चीज़ ऑनलाइन ही होगी। और तो ये 4 राउंड में होने वाला है और इसके लिए मैंने अपने हाथ में मेहंदी भी लगा लिया है क्योंकि फर्स्ट राउंड है सेल्फी विद मास्क एंड सेकेंड राउंड है मेहंदी एंड थर्ड राउंड है योर ड्रेसअप एंड द 4th राउंड इज क्वेश्चन एंड आंसर। तो अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने के लिए क्योंकि मेहंदी तो मैंने लगा लिया है और हमने मास्क भी रेडी कर लिया है और ये मैं दिखाऊंगी कि मास्क हमने कैसे रेडी किया है। तो अभी मैं जाती हूँ रेडी होने के लिए, तो बने रहे मेरे ब्लॉग में, लेट्स स्टार्ट। तो ये मैं अब मेहंदी लगवा रही हूँ, मेरी ननद मुझे मेहंदी लगवा रही है और साथ में हम लोग मूवी देख रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत की मूवी दिल बेचारा। जमशेदपुर में यही मेरी छोटी सी दुनिया है। मेरा नाम किसी बासु है, क्यों है मत पूछो, वेलकम टू माय बोरिंग वर्ल्ड। तो मूवी देखते देखते ये मेरी मेहंदी भी लग चुकी है। तो ये मास्क मेरी हाफ रेडी हो चुकी है, अब इसे हम लोग सजाते हैं। तो इसे हम स्टोन से सजा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने तो कॉटन कपड़ा लिया है ग्रीन वाला, देन उसके ऊपर नेट कपड़ा से इसको स्टिच किया है और फिर लेस लगाया है और अब हम लोग इस पर स्टोन लगा रहे हैं ताकि ये सुंदर लगे। इस मास्क को स्टिच मेरी सासू माँ ने किया है और इसे सजा हम लोग रहे हैं ताकि ये थोड़ा देखने में सुंदर लगे और हमें पॉइंट्स भी मिल जाए। तो ये हमारा मास्क कम्प्लीटली बनकर तैयार हो चुका है और ये मैं भी तैयार हो चुकी हूँ मास्क लगाकर। तो आज मैंने सोचा कि कंपटीशन है तो कुछ अलग किया जाए, तो इसीलिए मैंने अपनी छत्तीसगढ़िया कल्चर को दिखाने के लिए इस तरह से गेटअप लिया है। तो ये गेटअप मेरा कैसा लग रहा है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। हम फोटोज़ लेने में इतने बिजी थे कि ब्लॉग ही नहीं शूट कर पाए, तो मैं आप लोगों के साथ अपना फ़ोटो शेयर कर रही हूँ जो मैंने अपने कंपटीशन के लिए खिंचाया है। तो मैंने हमने सारे जगह ट्राई किए, छत पे, फिर अपने सीढ़ी पे, फिर अपने बालकनी पे, अच्छे फ़ोटोज़ आए और हमारा फ़ोटो सिलेक्ट हो इसलिए। और ये आप देख रहे होंगे कि पोजेस भी मारे हैं हमने अच्छे अच्छे। हम लोग ये सावन महोत्सव मना रहे थे तो इसीलिए हमें पेड़ उगाने के लिए भी कहा गया था, तो हमने भी पेड़ लगाए। तो ये कंपटीशन ऑनलाइन होने वाला है इसलिए मैंने अपना सेटअप रेडी कर लिया है ट्राईपॉड लगाकर। और ये हमारा कंपटीशन कुछ इस तरह से हुआ है, सारी जो 12 कैंडिडेट्स थे वो हम लोगों ने अपने अपने घर पे अपने फ़ोन से ऑनलाइन होकर पार्टिसिपेट किया। तो ये रही 12 कैंडिडेट्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनफैक्ट सब ने बहुत मेहनत की थी, सबकी मेहंदी बहुत अच्छी थी, सबके हैंडमेड मास्क बहुत अच्छे थे और सब ने बहुत एफर्ट लगाया था। तो ओवरऑल मुझे भी बहुत मज़ा आया क्योंकि ये मेरा पहला सावन महोत्सव था। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें। बाय बाय गाइज़।